हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, इस तरह का अगर फोटो बनाना चाहते हैं इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल एप्लीकेशन ऑन करना होगा। तो चलिए गूगल एप्लीकेशन ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद इस सर्च बार पर आपको सर्च करना होगा बींग इमेज क्रिएटर। बींग इमेज क्रिएटर करके एक वेबसाइट रहता है, उसको आपको ओपन कर लेना होगा। तो चलिए आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है बींग इमेज क्रिएटर फ्री करके, इसको सर्च कर लेना होगा। सर्च करने के बाद इस तरह से वेबसाइट खुल के आ जाएगा। उसका यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि लिखा हुआ बीइंग इमेज क्रिएटर करके वेबसाइट, इसको आपको ओपन कर लेना होगा। चलिए इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस तरह सर्फेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना होगा। आप जिस भी कैटेगरी का इमेज बनाना चाहते हैं उसका प्रॉम्प्ट लिखना होगा। तो चलिए मैं अपना प्रॉम्प्ट यहाँ लिख रखा हूँ नोटपैड में, वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आप अगर प्रॉम्प्ट नहीं लिख पा रहे तो मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप कॉपी कर ले। तो चलिए मैं अपना प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। इस तरह से मैंने प्रॉम्प्ट ऑलरेडी लिख रखा था, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ नोटपैड से। उसके बाद वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरह से मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर से बैक जाके यहाँ पे पेस्ट करना होगा। चलिए पेस्ट करने के बाद एक ऑप्शन आपको नीचे में दिखेगा जो कि है क्रिएट का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जो कि आप यहाँ देख सकते हैं इस पर क्लिक करना होगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट करना होगा। वेट करने के बाद ये 4 AI के थ्रू इमेज बना के आपको दे देगा। तो चलिए थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। तो वेट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं नीचे में 4 AI के थ्रू बना के प्रोवाइड कर देगा, जो कि आप यहाँ नीचे में देख सकते हैं। तो चलिए वेट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ नीचे में 4 AI के थ्रू इमेज आपको प्रोवाइड कर देगा। तो चलिए किसी एक इमेज को आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक इमेज को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इस तरह सर्फेस खुल कर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ देख रहा होगा राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि है यहाँ पर 3 डॉट का, इस पर आप क्लिक करना होगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड का, इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद डाउनलोड हो गया। उसके बाद एक ऑप्शन दिख रहा है ओपन का, यहाँ से ओपन आप कर सकते हैं। इस ओपन वाले क्लिक पर ओपन कर सकते हैं। और भी अगर इमेज बनाना चाहते हैं जिसको स्किप कर दे, जो भी आप यहाँ लिख रखे हैं प्रॉम्प्ट, इसको आप स्किप करके हटा दें। उसके बाद फिर से आपको कॉपी करके दिखा रहा हूँ और भी एक इमेज कैसे बनाते हैं। चलिए इसको स्किप कर दे। स्किप करने के बाद फिर से आपको बैक जाना। बैक जाने के बाद नोटपैड में जाना। नोटपैड में जाने के बाद यहाँ से कॉपी करना होगा, जो कि यहाँ ऑलरेडी नोटपैड में लिख रखा हूँ, वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इस तरह से मैं लिखा हुआ हूँ उसको कॉपी कर ले रहा हूँ। इस तरह से मैं कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर से वहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो चलिए पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से। इस तरह से मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद फिर से एक नीचे में ऑप्शन दिख रहा होगा, जो कि नीचे में ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट का, इस पर क्लिक करना होगा। जो कि आप नीचे में यहाँ देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर देना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट करना होगा। वेट करने के बाद ये 4 AI के थ्रू फिर से आपको बना के प्रोवाइड कर देगा इमेज। 4 AI के थ्रू इमेज बना के आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर आप प्रॉम्प्ट नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस तरह से पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ। वेट करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे में 4 AI के थ्रू बना के आपको प्रोवाइड कर दिया, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से। चलिए किसी एक इमेज को सेलेक्ट करके डाउनलोड करके भी दिखाता हूँ। तो इस तरह से मैंने पेस्ट करने के बाद इस तरह से इमेज जनरेट करवा लिया। उसके बाद एक इमेज सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसे डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के लिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में 3 डॉट, इस पर क्लिक करना हो। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड का, इस पर क्लिक कर देना हो। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दिख रहा होगा ओपन में ओपन का, इस पर क्लिक करना होगा। ओपन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से गैलरी में ओपन हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।